सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई अपने काली मंदिर का ब्लॉग बनाओ, नवरात्रि चढ़ गया है तो उसका डेकोरेशन का ब्लॉग दिखाओ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोग यहाँ की ब्लॉग शूट करने, और भाई यहाँ पे काफ़ी शानदार चीज़ें हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो सारे मंदिरों सारे जगहों पर भाई लाइटिंग से अच्छे से सजा दिया गया है। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने गांव के मंदिर के पास हूँ, और इसको भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, लाइटिंग वगैरह, सजावट वगैरह। तो भाई बहुत ही अच्छे से सजाया गया है, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करना जो हथुआ से आए और फिलहाल इस टाइम हथुआ में नहीं है, वो इस दुर्गा पूजा को मिस कर रहे हैं, तो भाई उनको ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मैं आपको सारे चीज़ दिखाता हूँ कैसे सजावट किया गया है और क्या क्या इसमें खास है। ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, और ये हम लोग के मंदिर का मुख्य द्वार है। तो यहाँ से एंटर करते हैं। सुनाओ, यहाँ से एंटर करने के बाद जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, वो हम लोग की काली माता की मंदिर है, और भाई नवरात्रि के सीज़न में इसको बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये काफ़ी एक स्टेज बनाया गया है जिसपे हर साल प्रोग्राम होता है, और जो कलाकार होते हैं वो हर साल अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो भाई रात के समय में ये शुरू होता है 7 बजे से और 1 बजे तक चलता है। आगे यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ बनी है, यहाँ का गुफा। तो गुफा में आप लोगों को माता रानी की, देवी देवताओं की जिंदा लाइव प्रस्तुति दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो मेकअप के द्वारा उन लोगों को देवी देवताओं का रूप देते हैं और उन लोगों को गुफा में बैठाते हैं। तो चलिए हम लोग आपको गुफा भी दिखा देते हैं, इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है। तो अभी फ़िलहाल वो लोग यहाँ पे है नहीं, हम उन लोगों से ज़रूर मिलवाते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, आप लोगों को गुफा दिखाते हैं। आपको एक मुर्गा और दो मुर्गा और एक जिराफ दिख रहा है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो ये बांस की लकड़ी से बनाया गया है और अपने हाथों की मदद से, और इसे बनाने वाले कलाकार आप देख सकते हैं विवेक आर्ट की प्रस्तुति, वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ बनवाना होगा तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वो जो मैं गुफा बोल रहा था ना, उस गुफा का द्वार यहाँ से है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। लिखा होगा गुफा टिकट 10 रुपये। तो दिन में शूट करने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट रात में शूट किया, क्योंकि दिन में शूट करने का कोई मतलब बनता नहीं था, क्योंकि दिन में कोई सीन वहाँ पे नहीं था। तो रात में हम लोगों ने शूट किया, और हम लोगों ने जैसे ही गुफा के अंदर एंटर किया, तो अंदर एंटर करते ही गेट पे एक हनुमान जी की प्रस्तुति दिखाई गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और सामने एक यहाँ पे कुछ बैठा था, ठीक है। और इसके बाद आगे हम लोगों को भूत देखने को मिला, जो कि आप लोग खुद देख। ऊपर नहीं बैठे थे बल्कि यहाँ पे बैठे, तो ये भी काफी सही गेट में है। तो गुफा के अंदर जाने के बाद हम लोग को गुफा में काली माता का दर्शन हुआ, जिसके साथ एक शेर और एक गरुड़ थे। तो भाई देखने पर ऐसा लग रहा था ना कि सचमुच के काली माता के पास आ गए हैं लोग। बाकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था अंदर का नज़ारा, चारों तरफ चट्टान और एक शेर एक गरुड़ जो काली माता के साथ बैठे थे। बस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें एंड कमेंट कर करता है वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करें जो हथुआ के रहने वाले हैं और अभी इस वक्त हथुआ में नहीं है, वो इस मेले को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।